प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँच की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ चार, जिसका शीर्षक है त्योहारों का देश। चलिए पढ़ते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलसना मतलब प्रसन्न होना, माटी यानी मिट्टी और रसधार यानी रस की धारा। कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। अर्थात हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के जो मन है, जो दिल है, वो खुशियाँ से भरा हुआ है, वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में दूसरों के लिए प्रेम है यानी सम्मान की भावना है। ऐसा हमारा भारत देश है जो त्योहारों का देश है और हम सबको बहुत ही प्यारा है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। कवि कह रहा है कि जैसे ही सावन का महीना आता है, वह सबके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आता है। सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूला नहीं समाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी त्यौहार होता है, वो भी श्रावण मास में ही आता है, यानी श्रावण के महीने में आता है। वो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, रक्षा सूत्र बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती है। ये भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार पर बहन ने अपने भाई की राखी बांध कर बहुत खुश होती हैं। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। कवि क्या कह रहा है कि सावन में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और ललनाएँ क्या करती हैं, वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई क्या करती हैं, झूले झूलती हैं और खुशियाँ पाती, यानी खुश रहती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं। राग मल्हार क्या होता है? मल्हार होता है वर्षा ऋतु के समय गाए जाने वाला गीत या राग। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले राग को कहते हैं मल्हार। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कवि क्या कह रहा है कि हमारा भारत देश है वो त्योहारों का देश है और हम सबको बहुत ही प्यारा है। अब है आज़ादी के दिवस, तिरंगा घर घर पर लहराता। तिरंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सब भारतीय घर या हर जगह क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें क्या करता है, हमारे देश के खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाओं की याद दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियां सुनकर हमारा हृदय क्या होता है, श्रद्धा से भर जाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। यानी हमारा हृदय क्या करता है, मातृभूमि पर जो शहीद हुए जो वीर हैं उनकी गाथाओं को याद कर, उनके बलिदान की वीरता को याद कर, हमारे देव श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की क्या करते हैं, जय जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, इस हमें इससे प्यार है। हमारा देश क्या है, भारत है, वह त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्रेम है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली प्रदीप दान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है वर्षा ऋतु के बाद कौन सा महीना आता है, अश्विनी माह। यानी अश्विनी माह में प्रतिवर्ष विजयदशमी या दशहरे का पर्व आता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं, खेल कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। दीपावली का जो त्यौहार है लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भर देता है। इस पर्व पर सब लोग क्या करते हैं, दीपावली के त्यौहार पर या दीपावली के पर्व पर दीपक जलाकर रोशनी की जाती है और क्या करते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे चलाए जाते हैं। ऐसे त्यौहारों से परिपूर्ण हमारे देश से हमें बहुत प्यार, ऐसा कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। भाईचारे का संदेशा ले, ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सवैया सबके मन को भाती है। कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहते हैं कि आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का त्यौहार आता है। इस दिन लोग अपने घरों में क्या करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, खीर व सेवैयाँ बनाते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोगों को भी लगती हैं ना, तो सब लोग आपस में गले मिलकर ईद का
त्यौहार मनाते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। यह त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला होता है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्यौहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कवि क्या कहना चाहता है कि भाईचारे को बढ़ाने वाला त्यौहार, ईद के बाद कौन सा त्यौहार आता है? क्रिसमस का त्यौहार आता है। बच्चों को बड़ों से उपहार व खिलौने मिलते हैं, सब लोग इस त्यौहार पर बहुत प्रसन्न होते हैं। त्यौहारों के ऐसे हमारे देश से हमें बहुत ही प्यार है, ये कवि इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र की झांकी लिए 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव, गणतंत्र दिवस यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वासंती फूल, वासंती मतलब वसंत ऋतु के बारे में कहा गया है। वसंत ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, यानी हरी भरी हो जाती है, खूब हरी भरी हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। नई नई कोपलें आती हैं, नई कोपल फूल वृक्ष सब उनके पत्ते सब क्या आते हैं, नए आते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, उनकी जगह नए आते हैं, तो प्रकृति बड़ी ही मनोहर और सुंदर लगती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उनकी खुशबू से वातावरण महक उठता है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है होली कब आती है, फाल्गुन मास में आती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो फाल्गुन मास में होली का त्यौहार आता है। रंगों के इस त्यौहार में हम हर तरफ क्या करते हैं, हर तरह से मस्ती का माहौल रखते हैं। यह मस्ती का त्यौहार होता है। डफ ढोल और मंजीरों के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के रंग या गुलाल लगाकर गले मिलते हैं, और हमारा देश त्यौहारों का देश है और हमें इसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा देश हमें बहुत प्यारा है। तो बच्चों, इस कविता को त्यौहारों का देश हमने पूर्ण किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।